तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 KTM ड्यूक 390 के बारे में। तो ये इसका एक कंप्लीट आपको वॉक अराउंड सबसे पहले दे देता हूँ, उसके बाद कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस वगैरह दे देता हूँ। नया कलर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, हालांकि सीट का कलर ब्लैक रख देना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा होता क्योंकि थोड़े टाइम बाद वो फेड हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कुछ इस तरीके के एग्रेसिव लुक्स हमें देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा शार्प, काफ़ी ज़्यादा एकदम मीन लुक्स प्रोवाइड करते हैं। फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LED इंडिकेटर हमें वही वाले पुराने वाले देखने को मिल जाते हैं। लाइट का सेटअप पूरा नया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। रात में ये LED के जो DRLs दिए ये बाहर की साइड कर दिए। डोमिनार स्टाइल के मिरर सब हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर आप बात करेंगे तो नया मडगार्ड देखने को मिल जाता है। इधर आप देखेंगे तो WP Apex के अपसाइड डाउन फॉक्स देखने को मिल जाते हैं। बाइब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं। नए डिस्क ब्रेक्स है इसमें। 320mm का फ्रंट रेडियल माउंटेड कैलिपर मिलता है हमें। यहाँ आप देखेंगे तो नई स्क्रीन देखने को मिल जाती है जो कि पूरी TFT यूनिट है, कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। 30 ईयर्स ऑफ ड्यूक लिखा हुआ आता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ये कुछ इस तरीके का व्यू हमें फ्रंट में मिलता है। एडजस्टेबल सस्पेंशन है, रिबाउंड वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। स्विच गियर्स वगैरह सब चेंज कर दिए गए हैं, हजार्ड का स्विच भी अब हमें इसमें देखने को मिलता है और क्वालिटी और ज़्यादा इन्हेंस कर दी है पहले से। स्विच गियर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और पूरे नए पैनल लगे हुए हैं। कुछ इस तरीके का रियर व्यू आता है। ये आप देखेंगे तो E20 की ब्रांडिंग आपने देखने को मिल जाती है। 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। साइड में ड्यूक की ब्रांडिंग, 390 की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये आपको लेग गार्ड देखने को मिल जाता है। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो 399cc का LC4 इंजन देखने को मिलता है जो कि 46 PS और 39 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सस्पेंशन आपको रियर ऑफसेट मिलता है। ब्रेक लीवर्स वगैरह की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कुछ इस तरीके से फुटपैक्स वगैरह का फील फीडबैक आता है। ऑरेंज सीट दी है, इसको ब्लैक कर देना था। सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और रूमी है। पिलियन के लिए ग्रैब रेल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप बात करेंगे तो रियर में आपको 240mm का फ्लोटिंग कैलिपर डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। ऑरेंज अलॉय व्हील्स के साथ आती है गाड़ी। रियर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके की रियर प्रोफाइल देखने को मिलती है। टेल लैम्प का लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज करा है। टायर अगर हटा के ऊपर की साइड एक नए पार्ट को ऐड करा गया जिससे कीचड़ ना उड़े। यहाँ से आप सीट खोल सकते हैं। ओपन चेन सिस्टम मिलता है, साड़ी गार्ड मिल जाता है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। फुट पैक्स वगैरह की इस पे भी रबर कोटिंग की गई है ताकि वाइब्रेशंस वगैरह ऊपर ना आए। कुछ मतलब कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है गाड़ी को। ये आप देख सकते हैं 6-speed का गियर बॉक्स हमें इसमें देखने को मिलता है। लुक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, हाइट को कम कर दिया गया सीट हाइट को। ये एग्जॉस्ट नॉट है गाड़ी का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।